नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज हम अनटोल्ड स्टोरी के तीसरे एपिसोड के लिए दिल्ली के पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके पहुंचे हैं। यहाँ हम कई वकीलों के इंटरव्यूज लेंगे और कोर्ट में देखेंगे कि आखिर यहाँ पे परेशानियाँ और अच्छाइयाँ क्या है। तो चलिए हमारे साथ। तो हाय सर, आपका नाम क्या है? माय नेम इज विशाल यादव, आई एम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो बताइए आप कब पास आउट हुए? मैं 2021 में पास आउट हुआ और फिर उसके बाद जैसे कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी हूँ। फिर उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे लॉ प्रोफेशन में फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब चेंबर, किस चेंबर में जाना है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारा। जनरली इफ़ यू हैव दैट अप्रोच टूवर्ड्स एनी चेंबर, अगर किसी चेंबर में आपकी जान पहचान है तो आपको ईजिली एक्सेस मिल जाता है। अदरवाइज फर्स्ट जनरेशन को इधर उधर जगह जगह पे CV अपने अप्लाई करने होते हैं, इंटरव्यूज देने होते हैं, उन बेसिस पे होता है। बट इफ़ यू हैव द कैलिबर देन दे विल डेफिनेटली गोइंग टू अपॉइंट यू। एक बात बताइए कि मान लीजिए आप 21 के पास आउट हैं, आप यहाँ पे आए, क्या आप लोगों को इतनी अर्निंग या इतनी हेल्प मिलती है कि आप अपने आप को खुद सस्टेन कर पाएं? खुद सस्टेन करना इज नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में 3 से 4 साल तक तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प अपने पेरेंट्स से या फैमिली से लेनी पड़ेगी। बट इतना है कि तुम्हारे सीनियर्स, जैसे मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, मेरे सीनियर्स कोऑपरेटिव है तो वो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं और ऊपर से तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी रखते हैं। बट काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कि लिटिगेशन में दे आर पेइंग अराउंड 10,000 एंड दे आर वर्किंग लाइक 24, यू कैन से 12 आवर्स अ डे इन अ फॉर्म। सो मेरे को वो लगता है कि यू कैन से इट्स लाइक एसिड्यूस वर्क, दे आर वर्किंग एंड स्टिल दे आर नॉट गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ पे विच दे डिजर्व। तो यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है एक चेंबर में? यहाँ पे चेंबर्स में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि तुम्हारे सीनियर्स कैसे हैं और जो तुम्हारे कलीग्स हैं उन पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि कई होते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं, कई होते हैं जो तुम्हें सिर्फ काम देते हैं, मतलब ऐसा यू कैन से कि क्लैरिकल वर्क टाइप देते हैं। तो जो सिखाने वाले होते हैं वो जनरली तुम्हें इधर उधर भेजेंगे, ये बात है। बट ये तुम्हारी खुद की भी ईगरनेस टू लर्न मैटर करती है कि तुम कितना अच्छा सीखते हो और कितना जल्दी ग्रेस्प करते हो थिंग्स को। जब हम कॉलेज में अपनी पूरी डिग्री खत्म करके आते हैं तो क्या कुछ सिमिलैरिटी दिखती है आपको कि आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली तो कुछ आसान हो गया आपके लिए? यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, सब कुछ अलग हो जाता है। क्योंकि देखो थिंग्स जो CPC या कोई भी प्रोविजंस, मतलब जितने भी एक्ट्स हैं उनके अंदर लिखे हैं, चलेगा वही। बट उसका जो लिमिटेशन और जो टाइम पीरियड हम वहाँ पे पढ़ के आते हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल डेट्स वगैरह अलग है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है केसेस की, तो उस बेसिस पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज मतलब कह सकते हैं कि वही लॉ सेम रहता है बट लिमिटेशंस का थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, तो देयरफॉर वो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी मूव करनी पड़ती है। तो फिर प्रोसेस क्या रहती है, आप अपनी लॉ कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे आके एक अच्छा सीनियर ढूंढते हैं? ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती अच्छा सीनियर ढूंढने की। तो क्योंकि जो चेंबर, आप जिस चेंबर में जाते हो अगर दे विल एक्सेप्ट यू देन यू विल बी देयर एज अ पार्ट ऑफ दैट चेंबर। अदरवाइज यू हैव टू बनाते हैं लॉ स्टूडेंट्स निकलने के बाद कोर्ट में, जैसे आई वॉज सिंस माई कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप विद इन दिस चेंबर ओनली, सो आई एम हेयर फॉर अराउंड 3 years, सो आई हैव गुड बॉन्ड। सो आपने सीखा भी बहुत होगा पिछले 3 साल में यहाँ पे। बस ड्यू टू कोविड काफ़ी हद तक हम नहीं सीख पाए, बट जो 3 years रेगुलर कॉन्टीन्यूस जिन्होंने करी है वो सीख सकता है आराम से। क्योंकि यू कैन से कि टू ईयर के अंदर 2 से 3 महीने की हर कोई इंटर्नशिप करता है, बट यहाँ पे ये रहता है कि कोविड के चक्कर में जो 2 से 3 महीने की होनी थी पूरे साल में वो नहीं हो पाई उतनी, जैसे बीच में कोविड आ गया, अदरवाइज वैसे सब अच्छा था। लास्ट के ईयर में मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप वगैरह करी।
हाँ, तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कोविड पीरियड के बारे में, ये कैसा रहा एडवोकेट्स के लिए और इंटर्न्स के लिए, इन सब के लिए कितना अच्छा या बुरा था? कोविड पीरियड अच्छा किसी के लिए भी नहीं था, बट रियलिटी ये है एडवोकेट्स और इंटर्न्स के लिए वो वर्स्ट टाइम था। उसके पीछे दो तीन रीजंस थे कि इंटर्न्स को जो एक्सपोजर मिलना चाहिए था उस टाइम पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर्स में, जब फ्रेंड्स के थ्रू कनेक्शंस मिलते हैं और अलग अलग जगहों पे अच्छी अच्छी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटर्नशिप करने की, तो वो उन्हें नहीं मिल पाई। बट एडवोकेट्स के लिए तो वो यू कैन से दे आर नॉट इवन एबल टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। क्लाइंटेज भी नहीं, क्लाइंटेज नहीं थी। जो सीनियर एस्टेब्लिश्ड एडवोकेट्स थे उनके लिए जब भी ठीक था, बट जो यू कैन से फर्स्ट जनरेशन लॉयर और फ्रेश एडवोकेट्स थे उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। इनफैक्ट सम मॉनेटरी हेल्प दी गई थी बार काउंसिल की तरफ से, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट टू सर्वाइव। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बताइए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वदना भाटी है। और कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? मैम मेरा 2020 का एनरोलमेंट है, तो अभी मुझे कुछ मंथ ही हुआ है, अभी 7-8 मंथ करीबन प्रैक्टिस में। तो कैसा लगता है आपको लिटिगेशन में आके? लिटिगेशन मुझे वैसे तो अच्छा लगता है, पर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो उससे पहले जैसे होते हैं ना जिनके फैमिली बैकग्राउंड्स में होते हैं, तो उनको केसेस वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं, बट मुझे सारी चीज़ें अपनी खुद से करनी पड़ रही हैं। जैसे सबसे ज़्यादा होती है कि जब हम अपने हमारी कोई जनरेशन में कोई नहीं होता, फर्स्ट जनरेशन लॉयर होती है, तो उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अपनी लाइफ में कि उसे जो इंटर्नशिप में पहले कोई मनी तो मिलती नहीं है, उसको अपनी ही पैसे लगा के आना पड़ता है। जब हमारा एनरोलमेंट हो जाता है तब जाके कोई कुछ देना स्टार्ट करता है, वो भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, तो वही सारा हमारा कन्वेंस निकल पाता है, तो हमें जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर हमें हमारे जो क्लाइंट होते हैं, हमारे क्लाइंट कोई होते नहीं है कि हमारी कोई पापा या हमारे किसी के साइड से तो आते नहीं है, हमें खुद से कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं जिनमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें सारे कॉन्टैक्ट खुद से बनाने हैं, मतलब न्यू स्टार्ट करना पड़ता है सारा कुछ, जिसको स्टार्ट करने में ही मुझे 10 साल लग जाएंगे, और जब जाके मेरी कोई एडवोकेसी अच्छे से चल पाएगी तो वो टाइम थोड़ा मुझे वो चीज़ लगती है। अदरवाइज मुझे इस प्रोफेशन से मुझे बहुत प्यार है और इसी वजह से मैं आई थी, पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई नहीं, देखते हैं जो भी कुछ होगा, आई होप कि बेस्ट ही होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोर्ट में आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों की कमी है, क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए यहाँ पे? मैम फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे डेस्टिनेशन जो एडवोकेट्स के लिए होती है वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं कभी हम 30,000 से आ जाएँ तो वहाँ भी नहीं है, मैं यहाँ से पटियाला हाउस से जाऊँ तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कोई सा भी कोर्ट हो कहीं पे मुझे ये चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं दिखी है। सबसे बड़ी बात पटियाला हाउस की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो 3 बजे बंद हो जाता है, 3 बजे के बाद हमें अगर कोई भी स्पीड पोस्ट या कुछ भी करना है तो हमें ITO जाना पड़ता है, जिसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये पहले यहाँ से ITO भागो, ये अगर वहाँ पे भी बंद हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 नहीं तो 4, 4:30 बजे तो तक तो ओपन होना चाहिए, क्योंकि एडवोकेट्स होते हैं कि उनके और भी केसेस होते हैं, वहाँ से वो आ रहे हैं, लेट हो रहे हैं, उनको इमरजेंसी में कुछ भी स्पीड पोस्ट करना है तो उनको उधर भागना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 4 बजे तक तो होना चाहिए। 4 बजे कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 बजे तक तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, 4, 4:30 तक तो होना चाहिए। सबसे बड़ी पार्किंग इशू कि हम आ रहे हैं, हमें गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है गाड़ी खड़ी करने के लिए, क्योंकि आसपास कहीं गाड़ी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, छोटी सी पार्किंग है पटियाला हाउस में, हमें इतनी दूर जाके गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, आधा टाइम तो हमें हमारा कोई केस है हाई कोर्ट में, हमें पहले उधर जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी के लिए, वहाँ से गाड़ी लेनी पड़ेगी तब हम उधर जाएंगे, इतने तो हम अगर जाएँ तो पैदल चले जाएँ, पर हमारे पास इतने सारी फाइल्स वगैरह होती हैं, इतनी मोटी मोटी फाइल्स लेके नहीं चल सकते, इसलिए हमें गाड़ी तक जाना पड़ता है, उसमें हमारा टाइम खराब होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना 1-2 मिनट पहले ही मैटर भी कॉल हो जाता है, कभी इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। और कोर्ट के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वॉशरूम, सैनिटेशन, ये सब कुछ है?
हाँ, वॉशरूम ऐसा है कि वॉशरूम के लिए हमारे यहाँ पे सिर्फ इतने सारे एडवोकेट्स के लिए एक ही वॉशरूम है इधर, जिसके लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ता है। तो एटलीस्ट जहाँ पे हमारे चैम्बर्स है उनके आसपास एक ऐसा होना चाहिए ना कि हमें इतनी दूर नहीं जाना पड़े, कि उनके की करीबन 100 चैम्बर्स के लिए एक वॉशरूम ऐसे दिया हुआ है, बहुत दूर दिया हुआ है। तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी लग जाती है कभी कभी, हमें इमरजेंसी है हमारा, हमें कहीं जाना है। तो एटलीस्ट 2-3 वॉशरूम से कुछ नहीं होता है, जबकि हर चैम्बर के 5-6 के मतलब एक कोर्ट में 8-7 वॉशरूम तो होने ही चाहिए, ये तो एक कॉमन सी है। 4-5 वॉशरूम है जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आगे आपको क्या करना है अपने फ्यूचर में, आपको कैसा लॉयर बनना है, क्या करना है? बस मेरा ये है कि अभी मेरे कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मेरा अभी फ़िलहाल APO का एग्ज़ाम मैंने फिल किया हुआ है, अभी मैं उसकी मेहनत कर रही हूँ कि शायद वो हो जाए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो देना चाहती हूँ। तो अगर वो मेरा देन आई होप कि वो ठीक हो जाए तो मैं वो करना चाहती हूँ, अगर वो नहीं होगा तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये वाला जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जी जान से लगी हुई हूँ, तो वो करना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाय मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता है। एंड आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? मैं 2010 से हूँ प्रैक्टिस में। तो बताइए, एज अ फीमेल एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा? एज अ फीमेल एडवोकेट बहुत अच्छा रहा है, लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो एडवोकेट फ्रेटर्निटी है वो बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करती है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है कोर्ट में भी और आउट ऑफ कोर्ट भी, आउट ऑफ कोर्ट जाके भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अगर कोई ये जानता है कि सामने वाला एडवोकेट है। ओके, तो यूनिटी अच्छी है एडवोकेट्स के बीच। तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, वॉशरूम फैसिलिटीज और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक लेडी एडवोकेट को चाहिए वो है यहाँ? अगर पटियाला हाउस की बात करें तो यहाँ तो बहुत ही ख़राब है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है और चैम्बर में पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, जो चैम्बर ग्राउंड फ्लोर्स पर हैं या जो कोर्ट है ग्राउंड फ्लोर पर। और अगर हम इसकी बात करते हैं वॉशरूम वगैरह की, तो वॉशरूम जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पर चैम्बर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग के अंदर एक भी फीमेल के लिए टॉयलेट या वॉशरूम नहीं है, और जेंट्स के लिए जबकि है। तो ये है कि वो बनना चाहिए, और काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग हो चुकी है। तो फिर कैसे सस्टेन करते हैं आप लोग यहाँ? दूसरे चैम्बर्स हैं, मतलब दूसरी जगह पर हैं। ओके, कहाँ पे? मतलब कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं। ओके, और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी हैं, लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ कि एडवोकेट चैम्बर की बिल्डिंग के अंदर नहीं है। ओके, मतलब और जगह है पर बिल्डिंग के अंदर नहीं है, और बिल्डिंग के अंदर काफी सारे चैम्बर्स हैं, 200 से 300। और जो इससे भी कॉम्प्लेक्स में है, क्या उनकी हालत ठीक है या वो डिलिपिटेटेड है, अच्छे नहीं है? कुछ अच्छे हैं और कुछ नहीं है। ओके, पर जो हमारा कंसर्न ये था कि हम बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं तो हमें दूर जाना पड़ता है, या तो हमें कई बार कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर ही जाना पड़ता है। तो दिक्कत होती होगी केसेस के बीच में, जब सुबह आपके केसेस लगे होते होंगे? दिक्कत होती है, दिक्कत है। और जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो हमें डिमांड करते हैं, अपनी बाहर से भी डिमांड करते हैं, पर यही होता है कि पहले लोग वादा कर देते हैं बाद में मुकर जाते हैं। ट्रू। अब क्रैश के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे क्रैश है मदर एडवोकेट्स के लिए? हाँ, क्रैश हर जगह अच्छा है, जिस भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें क्रैच हर जगह है। हाँ, हो सकता है कि कहीं पे बन रहा हो, प्रोसेस में हो, लेकिन क्रैच की फैसिलिटीज तो है। उसकी फैसिलिटी यूज करती है एडवोकेट? हाँ हाँ, बिल्कुल करती है। ओके, जिनको करना होता है वो करती है। और सैनिटेशन का क्या हाल है यहाँ पे? सैनिटेशन का अच्छा है, पहले जैसे कि जो सेंट्री पैड वगैरह थे उनकी मशीनें नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल में लगी है और काम करती है? हाँ हाँ, सर अभी हम अगर पटियाला हाउस की बात करें तो लेडी बार रूम में जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, और वो कोरोना के टाइम से 2020 से ही काम नहीं कर रही है। ओके, उससे पहले काम करती थी। तो लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए आपकी फेवरेट चीज़ क्या है लॉ के प्रोफेशन के बारे में अभी तक? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर फ्रीडम है काम करने की, आप किसी के अंडर नहीं होते, आपको जितना काम करना है, जब काम करना है, जैसे काम करना है, अपनी शर्तों पर काम करना है, तो वो है। और एक जो होता है इस प्रोफेशन के अंदर, आदमी अप टू डेट रहता है, जो अभी चल रहा है, जो आपके आसपास हो रहा है वो आपको पता उससे रहता कंसर्न है। रहता है वो हमें पता होता है। और सबसे इरिटेटिंग चीज़ क्या है कि इससे गुस्सा आता है? इरिटेटिंग यही होता है कि कई बार जैसे, अब मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में मेरा अभी 24th को एक केस था, तो अब इरिटेटिंग देखो वो तो कोर्ट का भी नहीं है, एडवोकेट का भी नहीं है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है सर्कमस्टांसेस, जैसे कि उस दिन जो है बहुत लेट तक कोर्ट चली, क्योंकि जितना लिस्ट हो गया वो तो निकाल नहीं है और हम अपनी बारी पे ही जा सकते हैं,
तो उस वक्त लगता है कि कम नंबर आएगा, शाम से भी पार हो गए हैं, तो वो चीज़ हो जाती है, पर वो ठीक है, वो अपना काम में है, रूटीन है। थैंक यू सो मच। सो हाय, मेरा नाम चारू सिंह है एंड आई एम फ्रॉम लाइव लॉ। तो हम यहाँ पे आज पटियाला हाउस कोर्ट कवर करने आए हैं, तो बताइए सर आपका नाम क्या है? माय नेम इज डॉक्टर मुकुल। एंड आपको कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को 14 इयर्स कंप्लीट हो गए। अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो मेरा तो आसान रहा, मेरे को डिफिकल्टी नहीं थी। मेरे फादर ग्रैंडफादर सारे एडवोकेट रहे हैं, मेरे को एस्टैब्लिशमेंट पहले से एस्टैब्लिश प्रैक्टिस मिली, एस्टैब्लिश प्रीमिसेस मिला, चेंबर मिला, तो मेरे को इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। मेरे को फादर एक्सपेंसेस बियर करते रहे हैं, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नाउ आई हैव एन एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस नाउ। तो कितने साल लगे आपको अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने में? एस्टैब्लिश अगर हम कहें कि प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो गई है, तो अभी भी हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, यू गो ऑन एंड ऑन। फिर भी फुटिंग फाइंड करने में आपको कितना टाइम लगा होगा? टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग ऑन 3 से 6 महीना काफ़ी है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप माने तो 2 से 3 साल लग जाता है। So that you can survive on your own. Okay. Sir, बताइए chambers के issue के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, chamber to all policy है। Chamber to all policy implement करनी पड़ेगी। Chamber to all policy के लिए bar council या किसी भी association ने कोई भी कदम नहीं उठाए, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। Chamber to all का मतलब है हर advocate के पास अपना एक chamber, एक अपना premises, एक अपनी place होनी चाहिए to start with। After some time, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद कुछ तो उनको जगह मिलनी चाहिए। यहाँ पर 30 साल तक, 35 साल तक chamber नहीं मिल रहे हैं। आज अप्लाई करेंगे तो उनके पोते को, चलो उनके बेटे को भी मिल जाए तो गनीमत है। ये हाल है हाई कोर्ट के अंदर। अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ तो मेरे को 30 साल तक चेंबर नहीं मिलेगा। किस बेसिस पे होती है एप्लीकेशन? वैसे कई जगह पर तो सीनियोरिटी ही मेंटेन्ड होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी सीनियोरिटी बनती है आपकी फाइलिंग से बनती है, पर हाई कोर्ट के अंदर अगर आपका नंबर आज लगेगा तो 30 साल तक आपको, 25 साल तक आपको चेंबर नहीं मिलेगा। 25 साल तो रिटायरमेंट हो जाएगी उसकी, उस चेंबर का क्या करेंगे? कुछ भी फायदा नहीं है। चेंबर इतनी ज़्यादा नेसेसिटी है, आप मान लीजिए एक दर्जी है, दर्जी की सुई है और नाई की कैंची है, ये मिनिमम हमारे टूल ऑफ द आर्टिजन है, ये हमारा टूल है। अगर ये टूल ही नहीं है तो हम कैसे करेंगे काम? काम ही नहीं कर पाएंगे। आपके पास कोर्ट के पास प्रीमिसेस नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए ना, आप आसपास कोई और लैंड एलोकेट कर दीजिए जहाँ पर सिर्फ चेंबर ही चेंबर हो जाए, वो भी कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है, तो कैसे बनेगी बात? हम अपनी बात कैसे रखें? स्ट्राइक हम कर नहीं सकते हैं, क्या हम हंगर स्ट्राइक करें? क्या करें हम? हम तो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो हाय सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत यादव है, 2016 से प्रैक्टिस में हूँ, 5 इयर्स हो चुके हैं। तो बताइए आप जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में आपकी क्या राय है कि हाउ डू दे बिहेव एडवोकेट्स के साथ? मेजॉरिटी तो वो ठीक है, जो मेजॉरिटी जो है वो जजेस की ठीक है एडवोकेट्स के लिए, बट सम कुछ हैं ऐसे जो सही से मतलब ठीक से बात नहीं करते हैं एडवोकेट के लिए, बट फुल मेजॉरिटी है वो ठीक है। आप बताइए आपको क्या लगता है कि कैसा बिहेवियर होता है जुडिशियल ऑफिसर्स का? बिहेवियर मेजॉरिटी तो सभी का ही अच्छा है, लेकिन या तो वो कुछ फेजेस होते हैं कभी किसी पर्सन के कि जिस टाइम पर वो एरोगेंट हो जाते हैं। अब हमारे लिए तो जैसे मान लीजिए सबसे जो नीचे के अगर जज साहब हैं, मुंसिफ हैं, तो वो हमारे लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही हैं। हम उनको वही रिस्पेक्ट बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये मैटर्स कर रहे हैं, पर ड्यूरिंग दैट पीरियड वो अपने को कभी कभी थोड़ा डिक्टेटर उसमें आ जाते हैं, हम उनको वैसे ही एड्रेस करते रहेंगे, उनको नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, हम तो वी आर डूइंग आर बेस्ट। फिर कभी कभी हमको लगता है कि बाकी जो हमारे रस्टिक फ्रेंड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्निक यूज़ करके टैकल कर लेते हैं, फिर हम उनको देखते हैं कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए क्या, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो मेजॉरिटी में 99.9% कहूँगा कि इट इज़ अ जेंटलमैन बिहेवियर ऑल टुगेदर, पर समटाइम्स माइंड चेंज, स्टेट ऑफ माइंड चेंज, उसके अंदर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग तो हमको भी देनी चाहिए। तो आप ये बताइए कोर्ट स्टाफ का बिहेवियर कैसा रहता है एडवोकेट्स के साथ? कोर्ट स्टाफ तो फ्रेंडली है हमसे। ओके। और एक बात ये भी कि कोर्ट स्टाफ जो है वो नॉन फ्रेंडली हो नहीं सकते एडवोकेट्स के साथ, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा है। अगर आप बोलिए, मैं एक आपको इंस्टेंस बताता हूँ, हाई कोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि काम करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर आप रजिस्ट्री में नीचे जाएंगे वहाँ देखेंगे वो काम कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन पूछ लिया उनसे कि जी काम कितना है, कितना सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो मैंने कहा सांस तो ले रहे हो आप? कह रहे ये देखो आप, उन्होंने ऐसे पेन रख दिया नीचे और कहा देखो ये सांस ले रहा हूँ मैं, ऐसी फुर्सत नहीं है, काम करते रहेंगे और सांस लेते रहेंगे, सांस लेने की सच में फुर्सत नहीं है, काम भरा हुआ है बुरी तरीके से। तो आपको लगता है कि कोर्ट स्टाफ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को एक कोर्ट में एम्प्लॉयड होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। अब एक
एक सर्टिफाइड अगर आप निकालते हैं उसमें एक एक महीना लग जाता है, ऊपर जाके मालूम करता है तो स्टाफ ही नहीं है, इतनी सारी फाइल से एक एक आदमी काम कर रहा है, जहाँ पहले आप बात करेंगे 10 साल पहले एक कोर्ट में कम से कम 5 से 6 का स्टाफ था, अब वो फायरिंग हो गई है बट वो गवर्नमेंट ने उसमें हायरिंग नहीं करी है, तो 5 का स्टाफ मान एक पे और 2 पे आ गया है, तो ऑब्वियस है कि अब एक पेपर निकालने के लिए 15-20 दिन मैक्सिमम एक एक महीना लग जाता है, कोर स्टाफ की तो कमी है, नॉट इवन इन सर्टिफाइड, आप कोर्ट में भी देखेंगे तो कोर स्टाफ की कमी है। अगर एक सर्टिफाइड के लिए इतना टाइम लग रहा है तो उसमें तो क्लाइंट और एडवोकेट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती होगी, लेट हो रहा है। हाँ, यही है कि लिटिगेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। और भी है, देखिए हमारी तो कोर्ट की तो ड्यूटी है जस्टिस प्रोवाइड करना, स्टेट की ड्यूटी है, ये सारी फंडामेंटल राइट है ये हमारा, पर ठीक है उसके जब आप वो ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप इसको इंडस्ट्री की तरह ले लीजिए, इसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दीजिए, आप रेवेन्यू जनरेट करिए और उसके बाद जिसको आपको ड्यूटी है वो भी फुलफिल करिए, जो पैसे पे कर रहा है एक्स्ट्रा उसको आप प्रायोरिटी पे कर लीजिए, उस पैसे को लगा के जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको भी फास्ट ट्रैक कर लीजिए, आपको इसको इंडस्ट्री बना लीजिए आप इसे, तभी आप इसको कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री ये बनेगी तो सब कुछ ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपके कोई और सजेशंस हैं स्टाफ को लेके कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ लोग ज़्यादा हो जाने चाहिए या फिर इनका एम्प्लॉयमेंट जल्दी जल्दी होना चाहिए? मिनिमम डबल होना चाहिए, डबल ट्रिपल कम से कम होना चाहिए, पर कोर्ट डबल हो जाना चाहिए। जुडिशियल वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, बाहर से एलिवेशन नहीं होता, आपके नाम रिकमेंड हो जाते हैं, नाम रिकमेंड कैसे होते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, नाम जो रिकमेंड होते हैं उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, आपको कैसे पता चल रहा है कि क्या है? आप एक बात बताइए, जब आप नीचे के जजेस जो हैं वो टेस्ट देते हैं और सिलेक्ट होते हैं, पर जो ऊपर के जजेस हैं वो तो कोई टेस्ट नहीं देते, इंटरव्यू कौन लेता है? वही जो जजेस जिन्होंने कभी कोई टेस्ट नहीं दिया, कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वो जजेस जो हैं वो लोअर जुडिशरी वालों का टेस्ट लेते हैं, तो कुछ तो होना चाहिए, तो आपका नीचे का सिस्टम गलत है या आपका ऊपर का सिस्टम गलत है, दोनों सही है ये तो नहीं मानी जा सकती ना बात। फिफ्थ एक और टॉपिक आते हैं यहाँ पे फ्री लीगल एड का, उस सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? फ्री लीगल एड मोस्ट प्रोबेबली है बट कई हद तक उसमें भी डिपेंडेंसी है। मैं लीगल एड का एडवोकेट रह चुका हूँ, ठीक है जिस आदमी के पास कोई जरिया नहीं है वो लीगल एड में आए और करे, मैं DLSA के अंदर यहाँ पर पटियाला हाउस के पैनल पे रह चुका हूँ। ओके, पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगी कि बहुत काम जो हो रहा है ना धीरे हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना, आपको ठीक है आप फ्री में दे रहे हो फंडामेंटल ड्यूटी, आप फंडामेंटल ड्यूटी पूरी कर रहे हो, फंडामेंटल राइट दे रहे हो उनका, एक्सेस टू जस्टिस दे रहे हो, पर ऐसे नहीं होगा, वो आएगा एक बार तो पहले अपनी फोटोग्राफ लेकर आएगा एप्लीकेशन पे, उसको भरेगा, उसके साथ वोटर आईडी कार्ड लगाएगा, अपनी 4 चीज़ें बताएगा, उसके कम से कम कितना भी फास्ट करोगे आप 24 आवर्स के अंदर आपका वो पास होगा और तब एक वकील साहब मिलेंगे, फिर वो लौट के आएगा, फिर वो लौट के वकील साहब से बात करेगा, वकील साहब की अपनी अपना भी काम है, वो कब मिलेगा उनसे, कब उसका केस बनेगा, केस तो ऐसे हैं सुबह आया शाम को बन जाना चाहिए, ऐसी भी तो अर्जेंसी वाले केस हैं, कस्टडी के अंदर है, कैसे वो 2 दिन तक वेट करेगा उसको वकील साहब मिलेंगे, तो ऐसे नहीं, आई वॉश नहीं बंद करिए आप, आई वॉश हो रहा है ये। हाँ ठीक है जिसको कुछ नहीं है उसको कुछ ना कुछ डूब के को तिनके का सहारा तो दे रही है सरकार, पर ये कोई तरीका नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, आपको इमरजेंसी ऑपरेशन करना है एंट्री करी और आपको पता होना चाहिए कि इसकी रिलीफ 24 आवर्स के अंदर, ये इसके अंदर कदम होना चाहिए, स्टेजेस बना लीजिए, क्वेश्चनिंग करिए कि अगर मान लीजिए कोई कस्टडी के अंदर है, उसकी माँ आ रही है कि मेरा बेटा अंदर है, तो उसको तो कल सुबह लग आज आया है, कल सुबह उसकी एप्लीकेशन कोर्ट में होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये स्टेजेस बनानी पड़ेगी, उसकी रजिस्टर में एंट्री हुई, हाई कोर्ट की सुपरविजन होनी चाहिए इसके अंदर कि कितना टाइम उसको लग रहा है कितना टाइम नहीं लग रहा है, तो तब तक नहीं हो पाएगा ये। तो नमस्ते सर, बताइए आपका नाम क्या है? नमस्कार, RS मिश्रा, एडवोकेट। तो बताइए आप कितने टाइम से लिटिगेशन कर रहे हो? मोर देन 30 इयर्स। और आप दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो कैसी थी आपकी शुरुआत, कब आए, कैसा लगा आके? अच्छी रही हमारी शुरुआत, तो अच्छी रही, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो न्यू कमर हैं इस प्रोफेशन में उनके लिए दिक्कत होती है, कुछ लक पर भी प्रोफेशन डिपेंड करता है, तो हमारे लक ठीक रहे। इस प्रोफेशन आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। तो फिर भी मुश्किल होगा अपनी खुद की प्रैक्टिस के लिए एक जगह ढूंढना, अपने क्लाइंट्स बनाना? हाँ ये तो है, तो वही कह रहा हूँ ना कि कुछ ऊपर वाले की कृपा होती है इस प्रोफेशन में, और कुछ होता है अपना परिश्रम होता है, लेकिन ऊपर वाले का ज़्यादा होता है, वो क्लाइंट जिस
जिस फील्ड में आप प्रैक्टिस करना चाहो उसमें शुरू करो, लेकिन वो हर एक फील्ड का काम करना पड़ता है। वो अपने पर डिपेंड नहीं करता कि आप क्रिमिनल कर रहे हो या सिविल करना चाहते हो। वो काम आना शुरू हो जाता है तो भगवान पर डिपेंड करेगा कि सब तरीके का काम आता है तो करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा क्या लगता है आपको प्रोफेशन के लिए कि हाँ ये एक चीज़ है जिसके लिए मैं अभी तक यहाँ पे हूँ? देखो रिनाउंड अगर होना है तो क्रिमिनल प्रैक्टिस है। क्रिमिनल सिविल में तो रिनाउंड कोई हो नहीं पाएगा। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है ये बदल जानी चाहिए? देखो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें और जुडिशियल सिस्टम जो है, थोड़ा सा जजों का हो इतना पेंडेंसी हो गई केसों की कि बहुत साल केस चलता है, इतने में क्लाइंट निराश होने लगते हैं। तो अगर थोड़ा सा कोई तरीका लगा के डिस्पोजल ज़्यादा हो केसों का तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी डिसीजन होगा फेथ बढ़ेगा लोगों का। ये बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर में किस किस चीज़ की कमी नज़र आती है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जुडिशरी में अभी तो जजों का पोस्ट नहीं पूरा भरा है, हर जगह भरा जाए। और एक जो पेंडेंसी इससे भी होती है, लोअर कोर्ट को तो दे दिया जाता है कि भाई इतने दिन में इसे केस को डिस्पोज करके करो, लेकिन इसी तरीके से एक पार्लियामेंट को चाहिए कि कानून बनाए कि जैसे हाई कोर्ट में अपील जाती है लोगों की, तो हाई कोर्ट पर भी बाहर रहे कि भाई मर्डर केस है चाहे स्पेशल केस है तो 30 दिन 45 दिन 60 दिन में डिस्पोज करके उसे ख़त्म करें। लेकिन वहाँ तो एक बार एडमिट हो गया उसके बाद रेगुलर मैटर में आ जाता है। रेगुलर कब आएगा, कितना दिन में आएगा, 10 साल में आएगा कि 5 साल में आएगा, तब आता है। उसके बाद हाई कोर्ट से डिस्पोजल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट एडमिट करके बैठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अगर अर्ली हियरिंग की अप्लीकेशन लगाओ तो सुप्रीम कोर्ट का यही रहता है, सही है उनका कहना हम कि भाई आपसे पहले के बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं हमारे पास, आपके कौन से क्राइटेरिया से हम आपको पहले ले लें। तो इस कारण से थोड़ा सा पार्लियामेंट को चाहिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कोई ऐसा अमेंडमेंट करे ताकि जो हीनियस क्राइम है, चाहे मर्डर का केस है, चाहे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का केसेस हैं, चाहे रेप केसेस हैं, ये थोड़ा सा जल्दी आ जाए। ये नहीं कि और केसेस जैसे होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में टेररिस्टों को खिलाते जाओ और 10 साल 20 साल में मान लो लोअर कोर्ट दे दिया डेथ पेनल्टी तो हाई कोर्ट लटका के बैठ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट सिस्टम उसी तरह बना हुआ है, वैसा सिस्टम नहीं है भाई। तो सो पार्लियामेंट को चाहिए कि कोई नया एक अमेंडमेंट करके कानून में दे इन लोगों को, हाई कोर्ट को, ताकि हाई कोर्ट उसी हिसाब से एक्ट करे, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट करे। तो लगता है कि लॉ स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वो वाला ज्ञान यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से बहुत अलग होता है? बहुत अलग होता है, प्रैक्टिकल चीज़ दूसरी होती है, एकेडमिक सेशन दूसरा होता है। यहाँ पर टोटल प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके हिसाब से कितने चेक के केसेस आते होंगे कोर्ट में एक महीने में? चेक का 138 का 138 का केसेस, ये तो बैलेंस बिगाड़ रखा है। तो कितना टाइम लगता है ऐसे केसेस को डिस्पोज होने में, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाने वाले केसेस होने चाहिए? देखिए कानून के हिसाब से तो 138 जब इनेक्ट हुआ था तो 90 दिन का दिया गया था कि 90 दिन में होगा, लेकिन यहाँ तो 12-12 साल केसेस चल रहे हैं। 138 के ऐसे ऐसे हैं, 2-3 साल जनरल में ले लो, लेकिन कुछ केसेस जो ऐसे हैं कि 10-12 साल तक खींच रहे हैं, उसके बाद अपील है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही ये जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्या लगता है कि ये इनकी भी पेंडेंसी बढ़ रही है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है डिस्पोज होने में? इसमें पेंडेंसी देखिए ऐसा है कि लोअर कोर्ट में ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, पेंडेंसी है लेकिन लोअर कोर्ट में सेशन में देख लो तो सेशन जजेस के पास 10-15-20-25 केसेस लगते हैं, तो अपना सेशन कोर्ट कंपिटेंट है, अपना डिस्पोज कर रही है। लेकिन जो दिल्ली के जजेस हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइप हैं, क्योंकि 100-150 केसेस लगते हैं, एक जज के पास कितना मिनट देगा जज, सिर्फ 138 बैलेंस बिगाड़ रखा हर एक जजों का। हाँ 138 के केसेस के लिए तो हमारा सुझाव तो यह है कि कम से कम कोर्ट फीस कुछ होनी चाहिए इस पर। कुछ तो फर्जी केसेस भी लगाते हैं लोग, 138 का चेक खाली रखा है भर के देते हैं, उस पर अगर कोर्ट फीस कुछ लग जाए तो लोग कम कर देंगे जो, और इस तरह से रहता है 138 का तो 2 रुपये कोर्ट फीस लगाओ चल दो,
दिल्ली में, तो फाइल करे और उसके बाद जज भुगते और अपोजिट काउंसिल आए तो 143 एक और हो गया है, या अप्लीकेशन लगाएगा तो फिर तुरंत पहले 15% 20% जो जैसा कोर्ट ऑर्डर करे उस पर जमा कराओ पहले। तो इस पर कार्व आउट करने के लिए इसको तो चाहिए कि कुछ कोर्ट फीस इजार करे पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके, ताकि गवर्नमेंट को भी फायदा हो, फर्जी केसेस कम कर दे। हाँ हाँ, 138 का केसेस, उसी हिसाब से कोर्ट फीस रहेगी तो कुछ गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि जजेस तमाम लगे हुए हैं 138 को करने में। इस कारण से जो ओरिजिनल केसेस हैं, जैसे क्रिमिनल केस है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, वहाँ पर नहीं हो पाता डिस्पोजल। अब मेरा आपसे लास्ट सवाल है, अब हम वर्चुअल हियरिंग्स की तरफ बहुत तेज बढ़ रहे हैं, मतलब ये जाने वाला नहीं है, कोविड पीरियड खत्म हो गया लेकिन ये रहेगा, हाइब्रिड मोड पे एटलीस्ट कोर्ट्स चलते रहेंगे, तो क्या सीनियर लॉयर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस बात से? नहीं नहीं नहीं, वर्चुअल कोर्ट तो ठीक है, वर्चुअल कोर्ट चलना चाहिए, लेकिन क्लाइंट आते रहें, क्लाइंट आते रहें, क्लाइंट जैसे वर्चुअल कोर्ट से पेशी हो रही है, रह गई बात एविडेंस की, तो एविडेंस में तो पर्सनल प्रेजेंस जरूरी है कोर्ट में। लेकिन कई वकीलों को डिवाइसेस की, इंटरनेट की यूज करने की, इन सब चीज़ों की दिक्कत हो रही है। हाँ, कुछ वकीलों को जो न्यू कमर हैं उनके लिए दिक्कत है, उसके हर एक बार एसोसिएशन चाहिए कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे अपने बार ऑफिस में, ताकि जो न्यू कमर हैं वहाँ से अपना कर सकें, और ये वर्चुअल प्रोसीडिंग हमारे हिसाब से सही है, ये लगातार चलनी चाहिए, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कैट हो, हर जगह इसको बंद नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो नमस्ते सर, आपका नाम बताइए। आनंद मिश्रा, एडवोकेट। और आपकी कितने साल की प्रैक्टिस हो गई? मेरे को अराउंड 8 इयर्स हो गए हैं। पटियाला हाउस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में। पहले आपकी एजुकेशन कहाँ की थी? एलएलबी। एलएलबी मेरी वाराणसी से है। फिर वहाँ से आप दिल्ली हैं? वहाँ से दिल्ली, मैं यहीं का बाय बर्थ यहीं से दिल्ली। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था एक्सपीरियंस, लिटिगेशन एक्सपीरियंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो बताइए आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है वकालत के बारे में? वकालत अपने आप में पूरी ही अच्छी है, लिटिगेशन काफ़ी अच्छी है, कोर्ट्स का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है, तो उसमें सही है। और कोई ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहते हो? बदलना इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा, जो कोर्ट्स हैं और जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। अगर हम दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, 30,000, पटियाला हाउस, रोहिणी, ये सब, तो इनमें इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें देखी जाए तो किन किन चीज़ों की मेजरली ज़रूरत है? मेजरली जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कोर्ट रूम्स थोड़े से छोटे हैं और ये सब है, तो इस हिसाब से थोड़े कोर्ट्स को बड़ा होना चाहिए और वेल इक्विप्ड होना चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे वीसी के लिए आपने बात करी थी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेल इक्विप्ड होना चाहिए। कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं वर्चुअल हियरिंग के टाइम पे, इंटरनेट प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब क्लियर करनी चाहिए। क्या वर्चुअल हियरिंग में आपको लगता है कि अच्छे से वर्चुअल हियरिंग कंडक्ट करने के लिए कई वकीलों को डिवाइसेस की और इंटरनेट की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल। तो क्या एसोसिएशन को कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, बार्स को इसके लिए तो ज़रूर करना चाहिए। अभी चला है कोविड में फर्स्ट टाइम वर्चुअल हियरिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके हिसाब से अभी तक ठीक रहा कोर्ट्स में, जब चला स्टार्टिंग में सही था, लेकिन अब उसे थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हाइब्रिड मोड चल रहा है हर जगह और वो चलता रहना भी चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसे और एडवांस लेवल पे ले जाने इसके लिए बार्स को और जुडिशरी को, सबको मिल के ही काम करना पड़ेगा आगे इसके लिए, ताकि इसे हम और अच्छा बना सकें, बेटर कर सकें। क्या क्लाइंटेल पे फ़र्क पड़ जाता है ऑनलाइन हियरिंग वगैरह से? बिल्कुल, क्लाइंट पे फर्क पड़ता है। ऑनलाइन हियरिंग में जैसे बताया कि क्लाइंट्स को आते रहना चाहिए और मतलब क्लाइंट्स को आता रहना, वर्चुअल रहता है तो क्लाइंट्स अपने आप ही उधर से कर लेते, क्लाइंट्स आते रहेंगे तो काम चलता रहेगा, जल्दी होता रहेगा। फाइनली ये बताइए कि जो न्यू लॉयर्स आते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स अभी कंप्लीट करके आए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस कैसे एस्टैब्लिश करें, अपना मार्क कैसे बनाए? वो वही जूनियरशिप करके, इंटर्नशिप करके, पहले तो उसे उन्हें क्वालिटी जो नॉलेज है यहाँ की वो लेनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़रूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो हम लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे जो प्रैक्टिकल हम करते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा लीगल एजुकेशन में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि 5 साल का कोर्स है एक तरह से। उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम बढ़ा सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए बढ़ाना चाहिए उन्हें डेफिनेटली, यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहिए इस तरफ कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बढ़ाएं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे वो बेटर रहेगा आगे। थ्योरी से ज़्यादा बेटर प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा? नहीं, थ्योरी से ज़्यादा बेटर नहीं है, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है,
जितनी थ्योरी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट्स में किस तरह से काम किया जाता है वो यूनिवर्सिटीज लैक करती हैं उसे समझाने में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये था अनटोल्ड स्टोरीज का तीसरा एपिसोड जिसे हमने पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शूट किया। यहाँ पे क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ और किन चीज़ों की ज़रूरत है आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। ऐसे और कंटेंट और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर। और अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए।